वेलकम टू माय चैनल SDC डिज़ाइंस। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोगों ने पिछला जो एपिसोड था उस पर एक प्रोजेक्ट को मॉडल करना और उसको एनालिसिस करने के बारे में बात किया था। तो अगर आपने वो चैनल वीडियो अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा पहले वाला वीडियो को पहले देख लीजिए, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं अपना पिछले जो प्रोजेक्ट किया था उसके ऊपर। टाइप्स में वो प्रोजेक्ट अब लोड हो रहा है। ठीक है, लोड हो गया। देखिए, एनालिसिस करने के बाद ETF जो करता है क्या, वो प्रोजेक्ट को लॉक कर देता है। ठीक है, हम लोग पिछले जो रिपोर्ट देखा था वो सब आप भी चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो आप चलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो इसका डिज़ाइन करने को पहले हम लोग को जो करना पड़ेगा क्या, मॉडल को पहले अनलॉक कीजिए। करने के बाद आप लोगों ने डिफाइन कीजिए, सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाइए और रिइंफोर्स बार साइज़ पे जाइए। जाके बनाने के बाद ये सब कुछ आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप लोग मान लीजिए हम लोग को जो जो बार नहीं चाहिए वो सब क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 mm का बार आपका कोई काम का नहीं है तो आप लेफ्ट साइड पे जाइए, ये वाला बार को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। हाँ, ये डिलीट। ओके, 8, 10, 12, 14 से इसका बार कम का नहीं है तो इसको भी डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, 16, 18 डिलीट। प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोगों ने 22 डिलीट, 24 डिलीट। ठीक है, रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। आप डिज़ाइन टैब पे जाइए, जाके कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे जाइए, जाके सिलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बिनेशन पे जाइए। देखिएगा आप लोगों का पूरा जो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने असाइन किया था पूरा कॉम्बिनेशन ही एक बार आ चुका है। तो ठीक है, हम लोग अब ओके प्रेस करते हैं। ओके, हम लोग को डिज़ाइन असाइन करना। अब रन डिज़ाइन के लिए कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन आपने क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, तो ये अब डिज़ाइन हम लोग जब डिज़ाइन करें उसके पहले हम लोगों ने क्योंकि बार से इसको चेंज किया तो हमको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम एनालिसिस ना करें तो फिर डिज़ाइन वाला की हम रन नहीं कर सकते। तो फिर से एक बार एनालिसिस कर ली। देखिए, पूरा एनालिसिस हो रहा है स्ट्रक्चर का। ठीक है, पूरा एनालिसिस हो गया आपका। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन जो किया हुआ था अब हम लोग प्लेन डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, लोड कमरे में ऑटोमेटिकली ले चुका है वो। ठीक है, पहले बीम को डिज़ाइन किया, फिर और एक कलम को डिज़ाइन किया। करने के बाद ये बोल रहा है कि डिज़ाइन डन। तो चलिए अब हम लोग कुछ पैरामीटर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये एलिवेशन वाला विंडो हम लोगों ने ऐड न्यू विंडो। ओके, आ गया। तो अब हम इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। इसमें हम लोग जाते हैं एलिवेशन, एलिवेशन अप्लाई। ओके, अब देखिए यहाँ पास जितना भी मेंबर है वो उसके पास इसका जितना भी एरिया रिकमेंडेशन है वो सब दिखा रहा है। अब मेरा हर एक मेंबर डिज़ाइन पास किया है कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास्ड। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि ऑल कंक्रीट मेंबर्स पास्ड डिज़ाइन चेक, मतलब आपका डिज़ाइन चेक कम्प्लीट हो गया। ठीक है, ये एड बाय हम लोग यहाँ पर एलिवेशन देंगे, एलिवेशन ए अप्लाई करते। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोगों का एलिवेशन भी चला आया। अब हम इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए हम लोग ए सेक्शन पे एक पीस पे किस बीम पे कितना रिइंफोर्समेंट है वो देखा है, दिख रहा है। अब हम लोगों ने डिज़ाइन कंक्रीट डिज़ाइन डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो यहाँ पर जाके
रिपेयर परसेंटेज को कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला विंडो पे ना। ठीक है, तो फिर डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन, डिस्प्ले ऑप्शन, डिज़ाइन आउटपुट, रिपेयर परसेंटेज अप्लाई, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को रिपेयर परसेंटेज कितना आया है वो सब दिखा रहा है। अब हम चले जाते हैं एलिवेशन पे, ओके। बी ग्रेड का जो कलम है उसके बारे में भी यहाँ पर पूरा डिटेल्स में आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इटास पे डिज़ाइन प्रोवाइड कर डिज़ाइन करते हैं। मैं आज यही तक रख छोड़ देता हूँ, अगले एपिसोड पे इस रिवार का डिटेलिंग हम कैसे निकलेंगे वो दिखाएंगे। और हमारे और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए।